हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके ही लोकप्रिय चैनल मूवीज एक्सप्लेनो पर। और मैं आज आपके लिए लाया हूँ मिस्टर मंक की सीरीज। मिस्टर मंक की सीरीज सीजन एक एपिसोड दो, मिस्टर मंक एंड द साइकिक, क्योंकि अभी फिलहाल मैं वेब सीरीज ही अपलोड कर रहा हूँ। एपिसोड की शुरुआत में दोस्तों दिखाया जा रहा है कि एक आदमी अपनी गाड़ी से कुछ सामान निकाल रहा है और उसके इरादे नेक नहीं है। वो वास्तव में एक्स कमिश्नर है, हैरी एस्कॉम जिसका नाम है। वो अपनी गाड़ी से ऐसा कुछ सामान निकाल रहा है जो आगे से पतला है और पीछे से चौड़ा है। वो ऐसा है कि अगर कोई गाड़ी स्पीड से उसके ऊपर चढ़ती है तो हवा में एकदम उड़ जाएगी। और वास्तव में वो अपनी वाइफ का एक्सीडेंट कराना चाहते हैं क्योंकि वो किसी दूसरे के चक्कर में पड़े हुए हैं। और अपनी वाइफ को फ़ोन करते हैं कि मैं बहुत मुसीबत में हूँ और जल्दी आ जाओ, और उनकी वाइफ बहुत तेज़ी से गाड़ी चला के आ रही है। आखिर में वही होता है जैसा कि मैंने पहले बताया था दोस्तों, उनकी वाइफ की गाड़ी 80-90 की स्पीड से बहुत तेज़ी से आती है और स्लाइडर पर चढ़ती है और हवा में ही हवाई जहाज़ की तरह उड़ के खाई में गिर जाती है। और एक्स कमिश्नर साहब बहुत खुश हो जाते हैं, अब उनकी वाइफ का काम तमाम हो गया है। अभी बहुत बड़ी बैठक हो रही है क्योंकि एक्स कमिश्नर की वाइफ लापता है, अभी किसी को उनकी लाश भी नहीं मिली है। तो बहुत सब घबराए हुए हैं कि जब पुलिस के परिवार ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर जनता का विश्वास उड़ जाएगा पुलिस पर से। और हमारे हीरो मंक भी पहुंच गए अपने सहयोगी के साथ और एक झंडे की सफाई कर रहे हैं। वो पता नहीं किधर से सूंघ लेते हैं, कहीं मर्डर उडर हुआ है तो पहुंच जाते हैं, उनका काम ही यही है। और एक्स कमिश्नर साहब यानी उनका नाम हैरी एस्कॉम सबसे अपील करते हैं कि 72 घंटे हो चुके हैं और किसी को भी कुछ भी मालूम हो तो मुझे आके बताए। हमारे पूरे सीरीज के हीरो मिस्टर मंक साहब भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं क्योंकि उनकी भी वाइफ की हत्या एक बम ब्लास्ट में कर दी गई थी और आज तक कोई सुराग वो जुटा नहीं पाए हैं। तो वो अपने कमिश्नर लेटेस्ट जो कमिश्नर हैं लेलैंड से बात करते हैं कि उनको एक्स कमिश्नर हैरिस कॉम का भी केस दिया जाए। वो बहुत दिल से चाहते हैं कि उनकी वाइफ का केस वो हल करें। तो लेलैंड उनकी मुलाकात हैरी से करा देते हैं और वो हैरी के कोट को बराबर हाथ लगा के साफ कर रहे हैं, कुछ गंदगी गिरी हुई है। और हैरी दिखाने के लिए बहुत खुश हैं कि मैं कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूँ अपनी वाइफ के केस के बारे में, और बात पक्की हो जाती है। अभी दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक लेडीज अपनी गाड़ी में बेसुध सो रही है, उसका नाम है डॉली और उसका दिमाग पूरा अंदर से है खाली। वही ये साइकिक है। साइकिक मीन्स होता है कि वो ज्योतिष टाइप के जो होते हैं सड़कों किनारे हमारे देश में बैठ के भविष्यवाणियाँ करते हैं, उनको अपने भविष्य के बारे में कुछ मालूम नहीं रहता। तो ये डॉली क्या करती है, यही सब बताती है लोगों के भविष्य के बारे में, टैरो कार्ड वगैरह पढ़ती है। और जो है इसके ऊपर काफ़ी सारे मुकदमे चल रहे हैं और ये देखती है कि मैं इधर कहाँ से आ गई और इधर उधर भागना शुरू कर देती है। और आप देख रहे हैं कितनी गहरी खाई से अगर कोई गाड़ी गिरेगी तो बचेगी नहीं। अभी हमारे डिटेक्टिव मंक लगे हुए हैं और कमिश्नर लेलैंड बोलते हैं, अरे यार ये सीधा सा मामला है, गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज़ थी और लेडीज़ गाड़ी संभाल नहीं पाई और एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी खाई में चली गई। लेकिन मंक कहाँ मानने वाले हैं, वो तो उनका दिमाग ही दूसरा है, डिटेक्टिव का दिमाग। उनका कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता, गाड़ी कितनी भी तेज हो ये सड़क आगे घुमावदार है, इतना ज़्यादा घुमाव है कि गाड़ी सीधे खाई में नहीं जा सकती, गाड़ी घूम के जाएगी जब भी जाएगी। तो लेलैंड कहते हैं कमिश्नर साहब कि अरे यार तुम मामले को आगे बढ़ा रहे हो, सीधी सी बात है। तो उसके बाद मंक कहते हैं अगर गाड़ी सीधे माने देखो इसकी टहनियाँ तक नहीं टूटी हैं इस पेड़ की, मतलब गाड़ी क्या उड़ के जाएगी क्या, या उसको कहीं उड़ाया गया है किसी जुगाड़ से। अब मृतिका के पति भी आ गए हैं, भूतपूर्व कमिश्नर हैरी हैरी साहब, और वर्तमान कमिश्नर से बोलते हैं लेलैंड से कि भाई मुझे अपनी वाइफ का चेहरा देखना है। लेलैंड मना करते हैं लेकिन कहते हैं भाई ये आखिरी बार एक बार चेहरा दिखा दो, दिखा देते हैं। तो फिर वो घड़ियाली आंसू बहाना शुरू करते हैं, उन्होंने खुद एक्सीडेंट करवाया, अब उनको तो अंदर अंदर बड़ी खुशी है लेकिन दिखाने के लिए रो रहे हैं। उनका सोचना है कि भाई हमको तो कोई पकड़ नहीं पाएगा, हर गुनाहगार यही सोचता है। और डाली का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी वजह से उनकी वाइफ की जो है
लाश उनको मिली, नहीं तो फिर कोई ढूंढ ही नहीं पाता। अभी हमारे डिटेक्टिव मंक साहब भी आ गए हैं क्राइम की जगह पे, जहाँ पे गाड़ी पलटी हुई है, एक्सीडेंट होके पड़ी हुई है, और चूँकि थोड़ा सनकी इंसान है, उनको गंदगी से बहुत ज़्यादा नफरत और कीचड़ वगैरह बहुत फैला हुआ है, तो वो लकड़ी के एक तख्ते पे खड़े होकर दूर से ही गाड़ी को बड़े गौर से देख रहे हैं, और उनकी असिस्टेंट सरवना गाड़ी के पास खड़ी हैं और बोल रही हैं मंक से कि तुम थोड़ा नज़दीक आके देख, क्यों नहीं देख लेते गाड़ी को, थोड़ा कुछ सबूत ही मिल जाएगा। लेकिन मन कहते हैं नहीं, मैं यहीं पे ठीक हूँ, क्योंकि उनको मालूम है कि मुझे गाड़ी के अंदर कोई सबूत नहीं मिलेगा, क्योंकि गाड़ी का एक्सीडेंट बाहर से कराया गया है, तो फिर गाड़ी के अंदर कुछ मिलने वाला भी नहीं है। और तभी सरवना डॉली को देखती है, और डॉली डॉली की पुरानी पहचान है, उन्होंने कभी अपना दिमाग लगा के उसका हेल्प किया था, तो दोनों में कुछ बातें होने लगती हैं। और तभी डॉली अपने पैर से कीचड़ साफ करने लगती, ये देख के जो है, ये देखते ही मंक का दिमाग ख़राब हो जाता है, तो उनको सनक सवार हो जाती है। अभी सरवना डॉली से बात करती है कि कभी उसके घर आएगी, क्योंकि वो भी चश्मदीद गवाह है एक्सीडेंट के जगह का, पहले उसने राज को खोजा है, तो पहले ही सरवना थोड़ा बात कर लेती, थोड़ी बहुत जासूसी वो भी करने लगी है। अब वो गाड़ी निकाल के जाने लगती है, तो क्योंकि रास्ता बहुत कीचड़ वाला है, तो थोड़ा सीटा जो हमारे मंक साहब को भी पड़ जाता है पैंट में, और मंक साहब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, और सरवना तभी टिशू पेपर निकाल के उनकी गंदगी को साफ करती है। मंक साहब पहुँचे हुए हैं हैरी के घर पे, भूतपूर्व कमिश्नर के घर पे, श्रद्धांजलि देने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं वहाँ पे, मग भी आ गए हैं अपनी जासूसी करने, और वो कमिश्नर साहब को एक जो है किताब देते हैं, कहते हैं कि मेरी वाइफ जब चली गई तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया, और इस किताब से उन्हें बहुत ज़्यादा मदद मिली, और हैरी बहुत खुश होते हैं और दबा के उनका हाथ मिला लेते हैं। अब इसके हाथ उनके हाथ मिलाते ही मंक को टेंशन हो जाता है कि भाई अब तो बहुत दबा के हाथ मिला लिए हो। सरवना कहती है कि टिश्यू पेपर से पोंछ लो, लेकिन कहता है नहीं, वो हाथ ऊपर करके बिल्डिंग के अंदर भाग जाते हैं धोने के लिए, और रास्ते में बिल्डिंग के वाशरूम के रास्ते में जितने भी देखते हैं बहुत ध्यान से कि भूतपूर्व पत्नी के सारे सामान को पैक किया जा रहा है फेंकने के लिए, कि कितनी जल्दी उसके सामान को फेंक के छुटकारा पाया जाए। तो उनको ये बात बहुत खटकती कि आदमी को लगता अपनी वाइफ से पहले भी कोई मतलब नहीं था, नहीं तो इतनी जल्दी कोई सामान फेंकता है, कोई कुछ दिन के बाद फेंक देता, और वो अपना हाथ वो धोते हैं फिर। अभी हमारे मंक साहब हाथ धो ही रहे थे, तभी हैरी पहुंच जाते हैं वहाँ पे, भूतपूर्व कमिश्नर, उनको देख के मंक साहब की हालत ख़राब हो जाती है, वो कुछ बोल ही नहीं पाते, तो बोलते हैं हड़बड़ाहट में, देखिए मैं समझ नहीं पाया, आपका घर बहुत बड़ा है तो मैं ऊपर आ गया, और मैं ये देख रहा हूँ कि आप सारे सामान को इतनी जल्दी पैक कर रहे हैं, अभी आपकी वाइफ को गए ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ, और मैं तो अपनी वाइफ के सामानों को आज तक संभाल के रखे हुआ हूँ, और कहता अपनी अपनी सोच है, कोई अब यादों के सहारे जी लेता है, कोई यादों के सहारे नहीं जी पाता, आप बहुत ही सेंसिटिव आदमी हैं, इतना कहकर हरी नीचे चला जाता है। अभी समारोह में खाने पीने का दौर चल रहा है, लेकिन मंग का दिमाग बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, इधर उधर बड़े ध्यान से देख रहे हैं, तो वो एक कोने में देखते हैं कि एक टेबल पर कुछ पुराने पार्सल पड़े हुए हैं, तो वो एक पार्सल उठा लेते हैं, थोड़ा भारी पार्सल है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, और वो समझ जाते हैं कि इससे इनके अंदर कोई सेंट की शीशी वगैरह है, सेंट आया किसी के लिए, और उस पर 5-6 लकीरें भी बनी हुई हैं, और उस पर किसी लेडीज़ का पता भी लिखा हुआ है, तो वो मंक साहब पहचान जाते हैं कि ये इनकी गर्लफ्रेंड का ही हो सकता है, क्योंकि कोई 5-6 लकीर इतनी किसी खास के लिए खींचे का पहचान के लिए। अभी मंक पहुंच जाते हैं हैरी के गर्लफ्रेंड यानी जेनी के घर, क्योंकि उसके पार्सल पे उसका पूरा पता हुआ लिखा हुआ था, और पार्सल जुगाड़ करके उड़ा लिया था मंक जी ने सबूत के तौर पे, और जेनी देख के घबरा जाती है इनको, तो मंक उनको पार्सल दिखाते हैं जो जेनी ने इनकार कर दिया था लेने से, तो वापस वो पहुँच गया था कमिश्नर, भूतपूर्व कमिश्नर के घर पर। जेनी कहती है कि मैं बहुत मना करती हूँ, फिर भी वो हमेशा गिफ्ट वगैरह भेजते रहते हैं, और
तभी मंक कहता कि 4-5 साल से आप उनके साथ संबंध में है। जेनी कहती कैसे हुआ, आपको कैसे मालूम हो गया? तो कहता कि ये 4-5 दो बोटलें रखी हुई हैं, हर साल में एक बोतल सैंपेन की, इससे मुझे अंदाजा हो गया। अब मंक साहब आ गए हैं अपने सहयोगी सरोगना के साथ डॉली के घर पे, क्योंकि पहले डॉली ने ही मृतिका को देखा है और सरोना डॉली को अपनी बातों में उलझाए रखती है। और थोड़ा वो डॉली सरोना के सर को पकड़ पकड़ के पता नहीं क्या क्या उनके भविष्य के बारे में बोल रही है, अपनी झूठी कहानियां बता रही है। तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, तुम बहुत ज़्यादा मजबूत हो, तुम्हारी ज़िंदगी में एक आदमी है, दुनिया भर की बातें बता रही है। और उधर मंक साहब जो अपनी जासूसी में लगे हुए हैं अपने काम पे और रसोई घर में कुछ ढूंढ रहे हैं, तभी उनको जो है एक नींद की गोलियों से भरी जो है डब्बा मिलता है, दवाई का डब्बा मिलता है। उधर इधर उधर वो करते ही है, तभी आवाज़ हो जाती है और उसके बाद जो है डॉली पहुँच जाती है। वो घबरा जाते हैं, वो बोलती कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो बोलते हैं कि मैं पानी पीने आया हूँ। तो डॉली उनको पानी देती है लेकिन वो झूठा रहता है, इसलिए वो कहते हैं मैं नहीं पीऊँगा, मैं ठीक हूँ। अभी मंग साहब जो है ढंग के सबूत तो इकट्ठा नहीं कर पाए हैं, इसलिए सरोना उनको उलझा के रखती है बैठी हुई अपने बातों में। तो डॉली अपना टैरो कार्ड रीडिंग शुरू कर देती है, इसमें कार्ड के पत्ते निकाल के विशेष प्रकार के कार्ड होते हैं वो रीडिंग करती हैं और हंसी मजाक हो रही है। डॉली बड़ी खुश नज़र आ रही कि मैं बहुत बड़ी जो है ज्योतिष बन गई हूँ। तो मंक जी मौका देखते ही सोचते हैं कि इसकी गाड़ी की भी जांच कर ली जाए कि ये गाड़ी लेके कहाँ कहाँ गई है। तो वो पहुँच जाते हैं उसकी गाड़ी जहाँ खड़ी है और जाँच करने लगते हैं। अभी हमारे मंक साहब पहुँच गए हैं डॉली के गैरेज में, वहाँ देख रहे हैं कि गाड़ी खड़ी हुई है, जहाँ पे वहाँ पे कुछ पत्थर पड़े हुए हैं क्योंकि अब गाड़ी तो लॉक है, उसके अंदर देख नहीं सकते हैं। तो कुछ विशेष प्रकार के पत्थर जो काले रंग के हैं उसको रख लेते हैं सैंपल के तौर पे। और अब वो पहुँच जाते हैं भूतपूर्व कमिश्नर हैरी के घर पर चुपके से सरोना के साथ। उसकी गाड़ी के टायरों पर भी देखते हैं ध्यान से, तो टायरों में वैसे ही कुछ पत्थर जो उनको डॉली के घर पे मिले थे, पत्थर फंसे हुए हैं और उसको भी वो सैंपल के तौर पर इकट्ठा करके सुरक्षित रख लेते हैं। अभी हमारे डिटेक्टिव मंग साहब पहुंच जाते हैं एक स्टोर पे जहां पे पत्थरों की जांच होती है और जांचकर्ता दोनों पत्थर की जाँच करके ये बताता है कि दोनों पत्थर सेम ही हैं। तभी मंक के दिमाग में ख्याल आता है कि हैरी किस लिए डॉली के पास गए थे अपनी गाड़ी से, तभी तो गाड़ी के टायर में वहाँ का पत्थर उनके घर तक आ गया। अब वो मजाक में स्टोर में एक वाइब्रेटर रहता है, वहाँ पे इस पत्थर को रख देते हैं। अब देखिए अब क्या होता है आगे, बड़ी मज़ेदार जो है बात होने वाली है। अभी जो है मंग का दिमाग थोड़ा ख़राब हो गया क्योंकि उन्होंने इतना मेहनत से जो सबूत जुटाया था वो खो गया, वो पत्थर का टुकड़ा। तो स्टोर में वो अनाउंस करने लगते हैं, भाई एक काला सा पत्थर का टुकड़ा जो खो गया है, जो किसी को मिले वो दे दे। और वो कोई ध्यान ही नहीं देता, सोचता ही कौन सा पागल है, पत्थर के टुकड़े को कौन ढूँढेगा। और सरोना को भी परेशान कर देते हैं, सरोना को एक कचड़े के डिब्बे में वो कहते हैं खोजने के लिए, वो बेचारी लगी हुई कचड़े के डिब्बे में ढूंढ रही है। तभी जो है मंग साहब परेशान होकर अपने सर पे अपने दोनों हाथों को रख लेते हैं और उनको लगता है कि सर में कुछ गड़ रहा है। तब देखते हैं कि उनके बालों में ही वो पत्थर का टुकड़ा फंसा हुआ है और बड़ी खुशी से वो पत्थर दिखाते हैं सरोना को। सरोना भी अपना माथा पीट लेती है, कैसा आदमी मिला है। अभी हमारे एक्स कमिश्नर हैरी साहब अपनी वाइफ के प्यारी डागी को लेके आए हैं एनिमल शेल्टर गृह में कि इसको भी जो हटा दिया जाए, अपनी वाइफ के हर निशानी को और सुकून से ज़िंदगी जिया जाए। तभी उनका सामना हो जाता है मिस्टर मंक से जो कि सरोना के साथ हैं। और उनको देख के हैरी चौक जाते हैं, भाई तुम इधर क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? मंक कहते हैं ऐसा कुछ नहीं, मुझे आपसे कुछ सवाल करने थे। तो हैरी बोलता है ये क्या जगह है सवाल पूछने की, मैंने जो बताना था बता दिया। तो मंक कहते हैं कि मुझे एक पत्थर का टुकड़ा आपकी गाड़ी के टायर मिला है जो
डॉली के घर पे पाए गए पत्थर के टुकड़े से मेल खाता है। इसका मतलब है आप डॉली के घर पे गए थे। अगर गए थे तो किस लिए गए थे? इतना सुन के हैरी बिगड़ जाता है, बोलता है तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो। और सरवना भी मंक से कहती है बहुत लगता है खतरनाक आदमी है, इसलिए और पुख्ता सबूत जुटा लिया जाए, फिर ऐसे हम लोग बात करते हैं। अभी मंक जी डॉली के पीछे पड़ गए हैं और डाली से मिलने उसके सेट पे चले आए, उनका कोई प्रोग्राम का तैयारी चल रहा है। फिर डाली इनको देख के परेशान हो जाती हैं और कहती हैं कि अब क्या मेरे से पूछने आए हो? तो मंक कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे केस चल रहे हैं और तुम प्राइम सस्पेक्ट हो, कि तुम्हारी गाड़ी वहाँ पहुँची कैसे हैं क्राइम की जगह पे, और तुम्हारे यहाँ जो कंकड़ पाया गया वो कंकड़ हैरी के गाड़ी में कैसे पाया गया? इसका मतलब है कि हैरी तुम्हारे घर पे आता जाता था। तो डॉली उनको एक किनारे ले जाके बोलती है, भाई देखो मुझे कुछ मालूम नहीं है, मैं इससे पहले हैरी कभी जानती भी नहीं थी, और मुझे नींद ना आने की बीमारी है रात को, तो मैं नींद की गोलियाँ लेके सोती हूँ। और उस दिन भी मैं नींद की गोलियाँ लेके सोई, लेकिन मेरी जब आँख खुली तो मैं जहाँ पे उनकी बीवी का एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे थी गाड़ी में, अब मैं वहाँ कैसे पहुँच गई मुझे कुछ नहीं मालूम। अभी हमारे डिटेक्टिव मंक साहब घटनास्थल पर आ गए हैं जहाँ पे हैरी की वाइफ का एक्सीडेंट हुआ था बड़ी बुरी तरह, और बड़ी गहनता से छानबीन कर रहे हैं। उनके साथ उनके वर्तमान कमिश्नर लेलैंड साहब भी हैं। वो लेलैंड को बताते हैं कि देखिए कोई भी नींद कितनी गोलियां का अगर सवेरे अपनी गाड़ी को यहाँ पे नहीं ला सकता है, और मुझे लगता है कि उसको लाया गया है, डॉली को कोई लेके आया है। तो लेलैंड कहता है कि तुमने तो उसका फ़ोटो भी देखा है। तो मंग कहते हैं कि उसका फ़ोटो पीछे से दिखाया गया है, आगे से कोई फ़ोटो नहीं दिखाया गया है, और ज़बरदस्ती सिग्नल तोड़ा गया है ताकि उसकी फ़ोटो आ सके, ठीक है। और मैं ये साबित कर सकता हूँ कि हैरी ही कातिल है, उसने ही अपनी बीवी का एक्सीडेंट करवाया है। इसके लिए मुझे आपकी और डॉली की और हैरी की जो गर्लफ्रेंड जेनी की भी हेल्प चाहिए, और मुझे एक ड्रामा करना पड़ेगा और मैं साबित कर दूंगा। अभी सारा सेटअप हो गया है भूतपूर्व कमिश्नर हैरी के घर पे, और सभी लोग आ गए हैं। डॉली भी आ गई हैं, लेलैंड भी आ गए हैं, मंग भी आ गए हैं, सरोना भी आ गए हैं, और कहीं ना कहीं जेनी भी हैं अभी। और हैरी भी आ जाते हैं और देख के घबरा जाते हैं कि उनके घर पे क्या हो रहा है। तो लेलैंड बोलते हैं कि आप परेशान मत होइए, आपकी वाइफ की आत्मा ने डॉली को बुलाया है। और हैरी कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि इनकी वाइफ की आत्मा ने पहले भी डॉली को बुलाया था घटनास्थल पे, अब वो खुद फंस चुके हैं। तो अभी डॉली जो अपनी नौटंकी शुरू करती है, वो बोलती है यहाँ पे हैरी की वाइफ की आत्मा है कहीं, और वो आत्मा को हमसे बचाना चाहती है, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो सब लोग अपने एक गोल घेरे में खड़े हो जाएं, अपने हाथ से हाथ मिला के। अब मंग साहब को तो टेंशन हो जाता है कि भाई मैं एक हाथ नहीं मिला था, दोनों हाथ कैसे मिलाऊंगा दो दो आदमियों को। तो अपनी कोहनी आगे कर देते हैं और सब एक गोल घेरे में खड़े हो जाते हैं, और ये अपनी नौटंकी जारी रखती हैं। अभी डॉली अपना कार्यक्रम शुरू कर देती है और कहती है कि यहाँ हैरे की वाइफ की आत्मा मुझसे कुछ कहना चाह रही है, और आग बंद करके कुछ बरबरा बुदबुदा रही हैं वो। और उसके बाद एकाएक वो चलना शुरू कर देती हैं कमरा में एक तरफ, और कुछ कदम आगे चलने के बाद वो बोलती हैं देखो टेबल के नीचे कुछ है। तो उसके बाद दूसरे लोग आते हैं, हाँ अरे टेबल नीचे कुछ है, क्या है? अरे ये तो जेनी की किसी की सैंडल नज़र आ रही है। हैरी भी ये देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। डाली अपने काम में लगी हुई है और वो बता रही कि उसको हैरी की आत्मा उसे इशारा कर रही है, और इधर उधर वो घूम रही है पूरे रूम में, एक जगह इशारा करती है और दिखाती है देखो इस पीतल के छड़ के ऊपर सरिये के ऊपर जो खून लगा हुआ है। और कमिश्नर लेलैंड उसको हाथ में ले लेता है और रिटायर्ड कमिश्नर हैरी को भी दिखाता है। हैरी ये देख हैरान हो जाता है कि ये मेरे घर में क्या हो रहा है। और डाली जो है पूरे कमरे में इधर उधर घूम रही है, और घूमते घामते वो बंगले के गार्डन की तरफ निकल जाती है। अभी लोग गार्डन में कुछ दूर ही गए थे कि सभी देखते हैं कि एक गड्ढे में हैरी की
गर्लफ्रेंड की लाश पाई जाती है, उसको देख के खून में लथपथ है वो। उसको देख के तो हैरी का दिल ही बैठ जाता है, और तब लेलैंड कहता है कि आपने इसका कत्ल कर दिया। तो हैरी आश्चर्य होकर कहता, मैं इसे क्यों मारूंगा, मेरी तो ये मैं ये तो मैं इससे प्यार करता था, मैं इसे क्यों मारूंगा, मैं तो सिर्फ अपनी बीवी का कत्ल किया हूँ, इसको कौन मार दिया। और अनजाने में हैरी जो है अपने गुनाहों को कबूल कर लेता है, और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद वो सारी कहानी बताता है कि वो कैसे डाली को जो है ढेर सारी नींद की गोलियां खिला के अपनी गाड़ी में बैठा के घटनास्थल पर ले गया था, और ये भी केस हल हो जाता है, और आखिर में डिटेक्टिव मंक कामयाब हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जो है सीज़न 1 की मंक की दूसरा एपिसोड? अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपको किसी वेब सीरीज़ का हिंदी में अनुवाद चाहिए, हिंदी में एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। धन्यवाद।